तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जो कि एक हमारे पास क्रॉम्पटन कंपनी का जो कि टुलू पंप आया है। तो ये दोस्तों इसका जो कि वाइंडिंग डाटा के बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसका डाटा क्या क्या निकला है, वो भी ओरिजिनल डाटा। दोस्तों वाइंडिंग करने के बाद आपका मोटर का एम्पियर एकदम लो लेगा, जो कि हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 एम्पियर लेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेगा, ठीक है। तो उसका दोस्तों ओरिजिनल डाटा जो कि पहले वाइंडिंग हुआ था, ओरिजिनल डाटा जो कि मिसिंग था, उसके बाद हमने जो कि इसके अंदर खुद का जो कि दिमाग लगा के इसके अंदर डाटा अप्लाई किया हूँ। तो कौन सा डाटा इसके अंदर अप्लाई किया हूँ वो आज हम दोस्तों बताएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले इसका मॉडल के बारे में, कुछ इसका इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए, उसके बाद जो कि ये वाला डाटा आप अपने मोटर के अंदर या फिर दूसरे मोटर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी दोस्तों हम इसका जो कि बारे में इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप यदि इसी टाइप से वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो कि क्रॉम्पटन कंपनी का ये वाला जो कि टुलू पंप है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कि इसका मॉडल जो कि मिनी क्या कुछ लिखा है, पावर दोस्तों जो कि 0.75 1/1 HP है, जो कि 0.7 किलोवाट है। एंड यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो कि इसका साइज 25x25 जो कि हर टुलू पंप के अंदर ऐसे ही मेंशन रहता है। करंट दोस्तों जो कि इसका 4.80 है, जो कि लगभग 5 एम्पियर है, ठीक है। एंड इसका हेड दोस्तों हेड रेट जो कि 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें वैसे आवश्यकता नहीं है, एक चीज़ का जो कि आवश्यकता है जो कि हमारा कैपेसिटर, जो कि कैपेसिटर जो कि 15 mAh का इसके अंदर लगा होगा, मतलब लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इसका पिच जो कि कुछ इस टाइप का ही निकला था, उसी टाइप से हमने बनाया हूँ। रनिंग में 3 कॉयल, स्टार्टिंग में 3 कॉयल, मतलब 3 कॉयल का एक सेट है, ठीक है। तो एंड इसके अंदर दोस्तों मेन जो कि मैटर करता है, ये वाला डाटा आप अप्लाई करना चाहते हो, उसका कोर लेंथ मैटर करता है, कितना लेंथ है उसका कोर का डिस्टेंस, एंड उसका जो गड्ढे का एरिया कितना बड़ा है। इसका डाटा दोस्तों यूज दूसरे मोटर में यूज करने से पहले आपको जो कि इसका पिच मैचिंग करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो कि मैं आपको बताता हूँ इसका गड्ढे का दोस्तों, उससे पेपर का लेंथ मैं नहीं नापा हूँ, जो कि पेपर ऐसे यू टाइप का फोल्ड होता है ना, उसका जो कि डिस्टेंस में मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है जो कि ये वाला। तो यदि डिस्टेंस फिर भी आप यदि देखना चाहते हो तो आपका लगभग 17 mm आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों इसका कोर का लेंथ जो कि 60 mm है, तो 60 mm है। एंड इस टाइप का यदि 3 स्लॉट वाला पिच है तो अब इसके अंदर जरूर अप्लाई कीजिए। एंड इस टाइप का जो भी मोटर है तो तब भी आप इसके अंदर दिल खोल के ये वाला डाटा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का दोस्तों मैं गारंटी बोलता हूँ आपका जो कि मोटर का एम्पियर एकदम कम लेगा, जो कि मैक्सिमम 1 या फिर 1.2 एम्पियर लेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेगा ये वाला मोटर। दोस्तों हमने जो कि वाइंडिंग कर दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, वाइंडिंग करने के बाद दोस्तों इसको मैं फिटिंग किया हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो कि कंपनी का डाटा नहीं था, दूसरा डाटा था, तो मैं थोड़ा डाउट के चक्कर में मैं इसको वाइंडिंग किया और खुद का डाटा लगा के लगाने के बाद जो कि इसको फिटिंग किया हूँ, चेक किया हूँ इसके एम्पियर क्या ले रहा है। एम्पियर यदि सही लेगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको दोबारा से वाइंडिंग करेंगे। इसलिए जो कि हमने इसका जो कि डाटा लगा के, मतलब आपने जो डाटा लगा के इसको वाइंडिंग किया हूँ, वाइंडिंग करने का इसको फिटिंग किया हूँ, फिटिंग करके इसका चेक किया हूँ, करने के बाद दोस्तों इसका जो कि एम्पियर ले रहा था जो कि 1.2 एम्पियर यहाँ पे देखते हो। उसके बाद दोस्तों हमने इसको वार्निश दिया, वार्निश डालने का जिसको दोस्तों इसे सूखने के लिए एक दिन छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सो कॉमन भी बना हुआ है, जैसे कि हम इसके अंदर ग्लास वायर नहीं लगाया हूँ, क्योंकि क्यों नहीं लगाया पता है, इसके यहाँ पे एक कवर रहता है, कवर के अंदर ये वाला जॉइंट छुपा हुआ रहेगा, इसलिए हमने नहीं लगाया। यदि इसके अंदर कवर नहीं रहता है, इधर से कुछ कुछ वायर निकलता है, उसमें जो कि हम लीड वायर निकालते हैं। यहाँ पे अभी इसका दोस्तों डाटा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 HP क्रॉम्पटन टुल्लू पंप डाटा, इसका क्या कैपेसिटर दोस्तों जो कि आपको देखने वाला 15 mAh कैपेसिटर है, तो ठीक है। एंड कोर लेंथ मेन जो कि मैटर करता है, जो कि 60 mm है, तो ठीक है। एंड जो इसका करंट में यहाँ पे लिखा हूँ 6 एम्पियर, जो कि 6 mm नहीं है, 4.50 एम्पियर है। यहाँ पे दोस्तों RPM जो कि ये भी देखना चाहिए थोड़ा आपको, जो कि 1780 RPM है। एंड 2800 होने से भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो कि पिच आपको डालना पड़ेगा 8, 10, 12, उसके अंदर टर्न दोस्तों आएगा 70, 70, 70। एंड HWG दोस्तों जो कि 24 नंबर वायर का यूज़ किया हूँ मैंने। एंड इसका कॉयल का वजन दोस्तों जो कि 330 ग्राम है। एंड कॉयल का दोस्तों यदि 60 mm आपका जो कि आ रहा है कोर लेंथ, तो आपका दोस्तों लेंथ यही आएगा 8 वाले में, 11 इंच 13 इंच एंड 15 इंच, जो कि 2-2 इंच का डिस्टेंस रहता है। एंड मोटर वाइंडिंग एम्पियर दोस्तों जो कि 1.2 एम्पियर है, सुपर एम्पियर ले रहा है, मतलब जो कि बहुत बढ़िया है। एंड स्टार्टिंग का दोस्तों 8, 10, 12 पीछे, उसका दोस्तों 80, 80 एंड 84 टर्न दिया हूँ जो कि बड़ा वाला कॉयल के अंदर। यहाँ पे दोस्तों इसका जो कि गेज है 26 नंबर वायर दिया हूँ। कॉयल का वजन दोस्तों जो कि 240 ग्राम आएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों कॉयल का जो कि लेंथ छोटा वाला के अंदर, इससे जो कि हमने 6 सूत कम कर दिया हूँ इसमें, एंड इससे भी 6 सूत कम इधर, एंड इससे भी 6 सूत कम इधर। तो इस टाइप का दोस्तों डाटा आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए, मैं कन्फर्म हूँ जो कि आपका मोटर वाइंडिंग करने के बाद एकदम कम एम्पियर लेगा। सो देख सकते हो जो कि हमारा ये वाला जो कि डाटा, अभी दोस्तों हम इसको फिटिंग करेंगे। यही डाटा मैं दोस्तों इसके अंदर अप्लाई किया हूँ। सो 24 नंबर
26 नंबर, इसके अंदर 80 टन, इसके अंदर 70 टन दिया हूँ, मतलब 86 है। इसके अंदर थोड़ा कम वायर है, मतलब जो कि गड्ढा एकदम लूज में जाएगा, इसके अंदर थोड़ा टाइट में जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम जो कि इसको फिटिंग करके आपको दिखा दें इसके एम्पियर। एंड इसी टाइप से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो यहाँ पे देख सकते हो मोटर जो कि चल रहा है अभी, यहाँ पे इसके एम्पियर देखते हो जो कि 1.0 1.1, मतलब जो कि 1 एम्पियर ले रहा है ये वाला मोटर, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, इससे कम ही लेगा। तो यहाँ पे देखते हो मोटर जो कि चल रहा है, साउंड भी उतना ज़्यादा भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है। एंड इसके एम्पियर देखो ज़्यादा, हर मतलब दिन भर चलेगा ना तब भी जो कि मोटर इसका गर्म नहीं होगा, जो कि एकदम परफेक्ट जो कि एम्पियर ले रहा है। तो आप भी ये वाला डाटा अप्लाई कीजिए, मैं श्योर हूँ जो कि आपका मोटर अच्छी तरीके से मतलब परफॉर्मेंस देगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना।